सब्सक्राइब करो इफेक्ट मैन को और प्रेस करो इस घंटे को। डेस्कटॉप के लिए यहां से सब्सक्राइब करो। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं अंडे के साथ एक्सपेरिमेंट, नई नई डिशेज के बारे में और उनकी फैक्ट। तो सबसे पहले मेरे इस फैक्टमैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के रोचक और मजेदार वीडियोस जानकारी भरे मैं आपके सामने ला सकूं। इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर वन, अंडों की जानिए उम्र। अंडों की उम्र जानने के लिए कांच का जार लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए और उसमें 10 से 12 अंडे डालिए। जो अंडे ऊपर तैरने लग जाते हैं वो बहुत पुराने अंडे हैं और ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और जो सतह पर टिके रहते हैं वे इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, और सतह पर पड़े अंडों की भी आप उम्र जान सकते हैं। जो अंडा सतह पर पूरी तरह लेटा हुआ है वो 0 से 1 हफ्ते पुराना है, और जो तिरछा हो रखा है वो 2 हफ्ते पुराना अंडा है, और जो सीधा खड़ा है वो 3 हफ्ते पुराना अंडा है। आपने अंडों की उम्र को पहचानना सीख लिया तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। डिजाइनर डिश, इसके लिए आप शिमला मिर्च और प्याज को रिंग की तरह स्लाइस करके काट लीजिए। अब पैन में तेल डालिए और शिमला मिर्च और प्याज के रिंग के ऊपर उसे रख दीजिए, और अब इसमें अंडे फोड़कर डालिए और ऊपर से नमक और मसाले डालिए और थोड़ा पकाइए। आपकी ब्यूटीफुल डिजाइनर और टेस्टी डिश तैयार है। नंबर 3, फास्ट ब्रेड डिश, इसके लिए एक ब्रेड लीजिए और उस ब्रेड के बीच से एक गोलाकार हिस्सा तोड़कर अलग अलग कर लीजिए। अब एक पैन में घी या मक्खन डालिए और इस ब्रेड को भी रख लीजिए और ऊपर से अंडा फोड़ कर डाल दीजिए। नमक के साथ मसाले भी डालिए और दोनों तरफ से पकाइए। आपकी शानदार फास्ट ब्रेड डिश तैयार है। अद्भुत डिश। नंबर फोर, अद्भुत डिश, इसके लिए अंडे को बीच में से सावधानी से फोड़ लीजिए और सफेद वाला हिस्सा किसी बड़े बर्तन में रख लीजिए और पीले हिस्से को छिलके में रहने दीजिए। अब सफेद हिस्से को हैंड ब्लेडर से ब्लेड करते जाइए, एक झाग बनता जाएगा। अब एक पैन गर्म करके उसमें तेल डालिए, उस पर स्टील का गोल रिंग रखिए चित्र की तरह, और इसमें एक परत पर ब्लेंड किए अंडे का सफेद भाग डालिए और उस पर अंडे का पीला हिस्सा भी डाल दीजिए। अब उस पर बाकी बचा सफेद हिस्सा भी डाल दीजिए। इसे एक एक मिनट दोनों तरफ पकाइए और आपकी शानदार अद्भुत डिश तैयार है। नंबर 5, रंग बिरंगी डिश। जी हाँ, इंद्रधनुष जैसी रंग बिरंगी। इसके लिए एक पर्पल कलर का पत्ता गोभी लीजिए और उसको ब्लेंड करके उसके किसी सूती कपड़े में लपेट कर रख लीजिए। अब अंडे को बीच से तोड़कर उसका सफेद हिस्सा प्लेट में निकाल लीजिए और पीला हिस्सा अंडे के छिलके में ही रहने दीजिए। अब प्लेट में सफेद हिस्से में पत्ते गोभी के जूस को भी निचोड़ कर मिलाइए, उसका रंग हरा हो जाएगा। इसे अलग कर लीजिए। अब दूसरी प्लेट में भी एक और सफेद हिस्सा तैयार कीजिए और उसमें भी पत्ता गोभी का जूस मिलाइए। अब इसमें नींबू का जूस डालिए, इसे मिलाइए, इसका रंग पिंक हो जाएगा। अब एक पैन लीजिए, उसमें तेल डालिए, एक तरफ हरे अंडे का लिक्विड डालिए और दूसरी तरफ पिंक कलर का लिक्विड डालिए। अब दोनों कलर पर अंडे का पीला हिस्सा भी डाल दीजिए और नमक मसाले भी डालिए और थोड़ा सा पकने दीजिए। आपकी रंग बिरंगी रेनबो डिश तैयार है। अंडे से बनाइए दिल की शेप। जी हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप ये डिश तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक उबला अंडा लीजिए। अब एक मोटे गत्ते को लीजिए, चित्र के अनुसार उसके कोने को रबर बैंड से बांध लीजिए और उसके बीच में इस उबले अंडे को रख लीजिए। एक लकड़ी उस पर इस तरह लगाइए जिससे अंडा थोड़ा दब जाए और गत्ते को दूसरी तरफ भी अटका कर रबर बैंड में लगा दीजिए और 1-2 घंटे छोड़ दीजिए बिल्कुल फ्री। तब तक अपने फियांसियों को जाकर मनाइए कि वो आपकी डिश आकर देखे। अब अंडे को निकालिए और इसे आप चाकू से स्लाइस करके काटेंगे तो दिल की शेप निकलेगी और आपका लबी डबी खुश हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, शेयर्स कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के मैं मजेदार और रोचक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए बाय।